जाटन बिल्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार सीरीज़ और काफ़ी लॉन्ग राइड होने वाली है। तो आपको पता ही है लद्दाख सीजन शुरू हो गया है और बहुत ही राइडर्स भाग रहे हैं लद्दाख को, तो मैं भी वही तैयारी कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने तैयारी करी थी लेकिन किसी कारणवश मैं रह गया था। मैं लगभग ये फोर्थ टाइम मैं जा रहा हूँ लद्दाख और जंस्कार सेकंड टाइम, जंस्कार लद्दाख दोनों ही करने वाले हैं। जो चीज़ें मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप अपनी राइड में वो चीज़ें इंक्लूड कर लें। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा सेटअप, ये दो मेरे साइड बॉक्स हैं, अपना टॉप बॉक्स है, पैनियर्स। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ क्या क्या है हमारा लगेज में। ये तो मेरे राइडिंग जैकेट है राइनॉक्स की ईवो 3 राइडिंग पैंट। ये मेरा LS2 का हेलमेट है, ठीक है। ये अपना रोप है कुछ बांधने के लिए, कुछ टूट फूट जाए तो ये बांधने के लिए रोप भी एक्स्ट्रा रखी हुई है मैंने। ये मेरे अंडरवियर्स सॉक्स वगैरह हैं, 3-4 जोड़ी हैं मेरी। ये मेरी जैकेट है, इसके साथ मैं लैपटॉप ले जा रहा हूँ। और ये मेरा फर्स्ट एड बॉक्स है जिसमें गौज, कॉटन बैंडेज वगैरह सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास ORS है 10 पैकेट की। ORS बहुत ज़रूरी है AMS के लिए, अगर AMS हो जाता तो ORS पानी में डाल के पीने से काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है। ये मेरे राइडिंग पैंट है, ये मेरा लोअर्स है, टॉवल ले लिया है, ये राइनॉक्स के मेरे ग्लव्स हैं, ये विंटर ग्लव्स हैं, ये नॉर्मल ग्लव्स, ये विंटर ग्लव्स, ये रेन कवर है रेन कोट, ये मेरा हैट है, ये मेरा विंटर लोअर है, ये मेरा इंडियन फ्लैग है। ये मैं 3 टी शर्ट लेके जा रहा हूँ, साथ में 2 वार्मर लेके जा रहा हूँ, एक कैप लेके जा रहा हूँ, स्वेट शर्ट लेके जा रहा हूँ एक, ये फुल बाजू की टी शर्ट है मेरी। इसके साथ कुछ गैजेट्स भी लेके जा रहा हूँ, जैसे मैं एक्स्ट्रा एक फ़ोन कैरी कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नल माइक है मेरा, और इसके साथ एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें हम अपने सारे गैजेट चार्ज करते हैं। ये हमारा चेन ल्यूब है, ये लेके जा रहा हूँ। गॉगल्स हैं, ये बंडाना है 3 पेयर्स। ये हमारे पावर बैंक्स हैं, ये मेरा 360 कैमरा है, ये 360 की सेल्फी स्टिक्स हैं 2। ये मेरा माउंट है जो GoPro का माउंट है। हम अपना गैजेट के लिए एक्स्ट्रा केस लेके जा रहे हैं। ये मेरा टॉयलेटरी के लिए है सब कुछ, इसमें अपना शेविंग का अपना पेस्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ये कुछ चेन ल्यूब करने के लिए, बाइक को स्टैंड पे खड़े करने के लिए ये हमने लिया है एक। इसके साथ हमने थर्मस लिए 2। ये टूल्स हैं कुछ, ये है हमारे पंचर किट, ये चार्जिंग का पूरा सेटअप है। तो आपने देखा कितना सारा सामान है, ये सब हम ले जा रहे हैं। साथ में मेरा ये राइडिंग शूज़ हैं, हमारे स्लीपर्स हैं, तो ये भी हम साथ में ले जा रहे हैं। और ये सारा सामान ये सिर्फ 3 बॉक्स में आएगा। ये मेरा टॉप बॉक्स है, 2 मेरे पैनियर्स है साइड बॉक्स। आज है 23 मई 2014 और 24 तारीख को सुबह हम लगभग 5 बजे से पहले पहले निकल जाएंगे। सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे और उतनी ही गर्मी हमें कम लगेगी, लेकिन 4-5 घंटे की हमें गर्मी झेलनी पड़ेगी जब तक हम पहाड़ों पर नहीं पहुँच जाते हैं। कल कोशिश करेंगे हम या तो पटनी टॉप पहुंच जाएं या कोई नया कोई रूट देखेंगे, तो ये हम आपको बताते रहेंगे रास्ते में। तो ये थिंग्स टू कैरी है अपने लद्दाख ट्रिप पे या कोई भी लॉन्ग ट्रिप पे आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो ये आप साथ में ज़रूर लेके जाएं। और मिलते हैं कल सुबह। तो गाइस सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और हम रेडी हैं। ये देखिए हमारी बाइक्स खड़ी है, अपना एक्सपल्स 200 और मेरी KTM एडवेंचर 390। तो आज से हमारी लद्दाख सीरीज शुरू हो चुकी है और अब भी हम जाएंगे लखनपुर बॉर्डर या उससे आगे पटनी टॉप तक। तो मोस्ट प्रोबेबली पटनी टॉप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जो रूट लिया है वही अम्बाला पठानकोट वाला रूट है हमारा। तो दिन में खूब गर्मी मिलने वाली है और अभी भी पसीने पसीने हो गया, सुबह 5 बजे 3:30 बजे उठ गए थे और सारी तैयारी करते करते 1.5 घंटा लग गया। बस अब निकलेंगे तो अपने फ्रेंड से मिलवा देता हूँ। हेलो। हेलो भैया। नाम? कपिल चौरसिया। कहाँ से आए? मैं आया हूँ MP पिपरिया।
तो भाई आए हैं एमपी से, कल रात को आ गए थे ट्रेन में, अपनी बाइक लेके आए हैं मतलब कि दिल्ली तक, एमपी से दिल्ली तक, और यहाँ से फिर अब हमारे साथ चल रहे हैं। तो चलते चलते आपसे बात करते चलेंगे, तो भोले का नाम लेके चलते हैं, जय भोले की। वी आर रेडी टू राइड, तो हम निकल पड़े हैं सबसे लंबी राइड पे, जो कि लगभग 15 दिनों की होने वाली है, और 15 दिनों में आपको पूरा एडवेंचर कराएंगे वर्चुअली। आप हमारे साथ रहिए, आपको लगेगा कि आप खुद ही घूम रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी प्लेसेस को एक्सप्लोर कराएंगे और आप खूब एंजॉय करेंगे। तो घर से हम निकल चुके हैं, लगभग 5:10 हो गए हैं सुबह के, और ये आउटर रिंग रोड एरिया है, विकासपुरी आउटर रिंग रोड एरिया। तो यहाँ से सीधा जाएंगे मुकरबा चौक, और मुकरबा चौक से अपना श्रीनगर वाला जो हाईवे है वो पकड़ लेंगे पठानकोट सीधा। तो बहुत ही लंबी राइड है आज, मोर देन 650 किलोमीटर की राइड होने वाली है हमारी। 661 रुपये का तेल आ गया हमारी बाइक में, और ये बाइक फुल हो गई है हमारी। और ये है मीराकुंज का पेट्रोल पंप, आउटर रिंग रोड पे ही है, और ये मेट्रो का काम चल रहा है। तो अब चलते हैं सीधा मुकरबा चौक, और वहाँ से सीधा पकड़ते हैं अपना हाईवे। जय भोले की, जय बजरंगबली। तो गाइस ये है मूर्थल गुलशन का ढाबा, मन्नत ढाबा। तो हम पहुंच चुके हैं मूर्थल, और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, हम गए थे अपना मूर्थल ढाबे पे, जहां हमने ब्रेकफास्ट राइड की थी, और वो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था। और यहां पे इससे पहले भी 2-3 यूनिक कंसेप्ट हैं, जैसे हवाई अड्डा है, और वो बाय ट्रेन आपको सर्विंग करते थे। तो मैं अभी दिखाऊंगा, ये बिल्कुल जो हमारा टोल है उसके पास पड़ता है, ये सामने रेशम ढाबा है, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट राइड की थी। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है यहाँ का भी, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट भी है, काफ़ी टेस्टी है। तो सामने आ गया है मूर्थल टोल, इसके बाद आएगा पानीपत, फिर करनाल, धीरे धीरे अपना सफ़र चलता रहेगा, और आप बने रहना मेरे इस लद्दाख सीरीज में, मज़ा आने वाला है आपको। मूर्थल के बाद अब हम पानीपत के टोल को क्रॉस कर रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आता है बाइक के साथ टोल क्रॉस करने में। और जो मेरे रेगुलर व्लॉग देख रहे हैं उनको पता है मैंने जिमनी बाइक की है, और कुछ महीनों से मैं लगातार जिमनी में ही ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने अपना विंटर स्पीति जिमनी से की है, अपना जैसलमेर मैंने जिमनी से किया है, अलवर जिमनी से किए हैं। तो बहुत ही बढ़िया सीरीज है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल जाट ऑन व्हील्स पे। और जब टोल क्रॉस करते हैं तो बड़ा झटका लगता है जिमनी में, जब जाते हैं कभी 200 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी कुछ, बहुत झटका लगता है, लेकिन बाइक से मज़ा आता है। 360 शॉट ले रहा हूँ अपने 360 कैमरा से, और ये फर्स्ट शॉट है हमारे लद्दाख ट्रिप का, और ये मेरी है इनविजिबल सेल्फी स्टिक, और ये है 360 कैमरा, और इसकी आप वीडियो देखना, बहुत ही शानदार वीडियो आती है। तो गाइस मैंने अपनी बाइक में क्रूज कंट्रोल लगा दिया है, ये है मेरा क्रूज कंट्रोल, और ये बाइक 91 पे फिक्स हो गई है, 91 पे चल रही है, और ये मैनुअली आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है। और इसका लिंक आपको मेरे ऊपर आई बटन में आ जाएगा, आप देख सकते हैं वीडियो, 2,500 का आई थिंक आया था मेरे को, लास्ट ईयर मैंने लिया था। और ये लॉन्ग ट्रिप के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे अभी मैं अपना हैंड फ्री चला रहा हूँ बाइक को, और मैंने 90 के आसपास फिक्स कर दिया है इसकी स्पीड, और अगर आपको हटाना पड़े तो जस्ट इसको लूज करना पड़ेगा आपको क्रूज कंट्रोल को, और ये हट जाएगा।
तो काफ़ी इजी है। और यही है कि आपको भीड़ भाड़ में ये यूज़ नहीं करना आपको क्रूज कंट्रोल को। ये जैसे सड़क खाली आपके कोई आगे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप के लिए मोस्टली आप यूज़ करेंगे। कहाँ रहते हो? अम्बाला। रामनगर अली पैलेस। क्या करते हो? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? तीसरी। और एक कैमरा। बड़ा होके क्या राइडर बनोगे? बाइक उछालोगे? ऐसे उठा दे, बहुत भारी है ये, नहीं उठती। ये 200 किलो की है। पंजाब जो हरियाणा का बॉर्डर है वो आई थिंक सील किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें एक अल्टरनेट रूट से जाना पड़ रहा है। और बीच में एक रेलवे फाटक भी आया था, अभी मैंने दिखाया, जो आपको ट्रेन गुजरी है वंदे भारत, तो आगे जाके ये फिर वहीं पे मिल जाएगा। आप देखो कितना किलोमीटर है ये नहीं पता। शंभू बॉर्डर है यहाँ पे जो बंद सील करा हुआ है, इसके लिए काफ़ी हमें घूम के जाना पड़ रहा है। और लद्दाख से पहले हमारी ऑफ रोडिंग शुरू होगी है, ये देखिए पूरी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। यहाँ पे किसानों ने जाम लगा रखा है ऊपर, जिसकी वजह से हमें काफी घूम के आना पड़ा। और हम सेम हाईवे पे आ गए हैं, अपना लुधियाने वाला दिल्ली लुधियाना जालंधर हाईवे, ये आगे भी देखिए कितना पूरा जाम कर रखा है। ये देखिए पूरा ये जाम है। ये है पेट्रोल पंप मंडी गोविंदगढ़ का, और यहाँ पे हमने मोर देन हाफ एन आवर का ब्रेक लिया और फ्यूल हो गया है पूरा, हमारा टॉप अप फुल टैंक भरवा लिया। बस अब सीधा हाईवे से निकलते हैं अपना लुधियाना, लुधियाना से जालंधर, जालंधर से कट आएगा। और ये आर्मी का बेड़ा जा रहा है, चौहान फिलिंग स्टेशन खन्ना आगे है। तो गाइस हम द्राहे को क्रॉस कर रहे हैं, और ये एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ये स्लिप कर गई बाइक, ये रोड ही है ना, लूज ग्रेवल है उस पे ऊपर। तो गाइस हमने यहाँ पे अभी जूस ब्रेक लिया था, गन्ने का जूस। और ये है श्रीमन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जालंधर को, थोड़ा सा आगे निकले जालंधर से। काफ़ी देर से प्यास लग रही थी तो दो बड़े बड़े गिलास गटक गए, और काफ़ी एनर्जी आ गई है। और अभी भी 6 आवर की जर्नी, मोर देन 6 आवर की हमारी जर्नी है अभी बाकी। और आज हम जा रहे हैं पटनी टॉप पे स्टे करेंगे। तो उधमपुर के लिए हमने ये हाईवे छोड़ दिया है जम्मू वाला, और ये दूसरा हाईवे हमें मिला है बाटल उधमपुर 83। और उधमपुर के बाद हमें मिलेगा पटनी टॉप। बहुत बढ़िया रास्ता मिला यार, पूरा हिल्स है और हिल्स की राइड शुरू हो गई है। और थोड़ा यहाँ वेदर भी थोड़ा ठंडा है, अभी तक तो गर्मी में बिल्कुल तप गए थे, जल गए थे, लेकिन अब थोड़ा सुकून मिला है। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी बेटर है, पहले से काफ़ी बेटर है। हाईवे का क्या बुरा हाल है, बहुत ही जाम है।
ये हमें यू टर्न करके जाना है, लेकिन बहुत ही गंदा जाम लगा हुआ है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। गाइस यहाँ तो बहुत मौसम ख़राब हो गया, ऊपर शायद बारिश भी हो रही है। अभी बिजली चमक रही थी और इतनी तेज़ी से हवा चल रही है और एकदम ठंडा हो गया है मौसम। और ये है करलाई खलकी, यहाँ से हम जाम में से निकले हैं। कम से कम 15-20 मिनट हो गए जाम में फंसे हुए, बहुत बुरा हाल था जाम का। तो भाई हम पहुँच गए उधमपुर और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये आप शोर सुन रहे होंगे, ये बारिश का शोर है। और हमने मंगाई है चाय और बटर ब्रेड खा रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया और सोच रहे थे टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता टाइम से पहुंचेंगे। अभी भी मोर देन वन आवर की राइड हमारी और है पटनीटॉप के लिए, वहाँ भी कितनी बारिश है पता नहीं। तो वो खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे प्रेम ढाबा पे अभी हाफ एन आवर तक हमने वेट किया और थोड़ा रिफ्रेशमेंट की, और ये बाइक देखिए हमारी खड़ी है। और अब बारिश रुक चुकी है, ऊपर का पता नहीं लेकिन यहाँ पे रुक चुकी है। अब जा रहे हैं आगे पटनी टॉप, और मोर देन वन आवर का डिस्टेंस अभी और कवर करना है ये पटनी टॉप के लिए। पटनी टॉप तो ये रास्ता जा रहा है टनल का, चेनानी टनल जो है वो रास्ता जाएगा, और आपको अगर पटनी टॉप जाना है तो उसके लिए आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। तो अब हम ये सामने वो पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे ये सामने वाले। तो गाइस हम हैं कुड में और ये है प्रेम स्वीट्स, जो कि फेमस है पतीसे के लिए और खोए की मिठाई के लिए। और यहाँ पे सारी जगह खोए की मिठाई है और पतीसा सबसे ज़्यादा फेमस है, देसी घी का पतीसा। चले फिर रूम पे चलते हैं। तो गैस अभी हम होटल में हैं, और ओएसिस है ना, ओएसिस होटल है और कुड से लगभग 1.5-2 किलोमीटर बाद में है, और पटनी टॉप से 4-5 किलोमीटर पहले है। तो ऑन रोड ही है, तो हमने ले लिया, हल्की बारिश हो रही थी तो सोचा पहले इनसे बात कर रहा, तो 1000 रुपये में हमें बढ़िया कमरा मिल गया। तो ये कुछ इस तरह से है रूम, और सामने व्यू है, पूरा माउंटेन का व्यू है बाहर बालकनी में। तो आज का मैं बता दूं, सुबह 5:10 5:15 तक चले थे सुबह दिल्ली से अपने घर से, और 7 बजे हम अपने होटल पहुंच गए हैं। लगभग 14 आवर हमने राइड की आज भागम भाग, और 665 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया, और 3 जगह मैंने पेट्रोल डलवाया, तो लगभग 900 और 800 ऐसा ही कुछ 1900 का मेरा पेट्रोल डल गया। तो आज का तो डे हमारा हो गया कंप्लीट, तो अब खाना पीना खा के सो रहे हैं, और डे वन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। और डे टू के लिए मैं बता दूं आपको, कल हम निकलेंगे यहाँ से अर्ली, देखते हैं कितने बजे, 7-8 बजे तक, और फिर हम जाएंगे पहले सूर्य टेंपल, जो यहाँ पे श्रीनगर का सूर्य टेंपल है, श्रीनगर से काफ़ी पहले है, और उसके बाद श्रीनगर घूमेंगे, और लास्ट में हम स्टे करेंगे सोनमर्ग में। तो कल का हमारा ये डे टू का ये प्रोग्राम होगा। तो आपको कोई भी क्वारी हो, कोई भी बात पूछनी हो, और ये आइटनरी हमारी जो भी आइटनरी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप पता कर लेना, देख लेना कि, और कुछ ज़्यादा मेरे से कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे jart_on_wheel। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद, सयनारा।